मेरे घर में घुसकर मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए हैं मेरे भाई पे कि वो मुझे छेड़छाड़ करता है, उससे मेरे संबंध चल रहे। लेकिन वो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जब मैं उनके लिए मर गई तो मेरा पीछा ना करें वो। 4 महीने शादी को हो गए, मैंने लंबे दिन शादी की थी, लेकिन अब भी वो मेरे घर वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे घर वाले बस मेरा पीछा छोड़ रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो प्रेमी जोड़ा है भाग कर शादी कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है, और कुछ जो प्रेमी जोड़े हैं वो अपनी शादी करने में कामयाब हो जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं, मगर जो उनके माता पिता हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ती, यानी उनका अतीत जो है वो पीछा नहीं छोड़ता है। एक प्रेमी जोड़ा भी कहूँ और पति पत्नी भी कहूँ, इस वक्त मेरे पास ऑफिस पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भाग कर 4 महीने पहले शादी की थी और शादी के बाद अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे, मगर जो पत्नी है उसके जो मायके वाले हैं अब फिर से उसका पीछा करने लगे हैं। यानी कि 4 महीने के बाद में अपनी बेटी की याद उन्हें बेहद सता रही है, जिसके चलते वो लड़के वालों को यानी कि अपने दामाद के परिवार को सता रहे हैं। उनका कहना है इस तरह से कि हमारे परिवार को सताया जा रहा है। खुद जो लड़की है, जो पति पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं, वो खुद बता रही हैं कि मेरे अम्मी और जो अब्बू हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हम अच्छे खासे रह रहे थे, मेरी जो सास है, मेरे ससुर हैं, वो बेनतहा मुझे प्यार करते हैं, मेरा पति मुझे पलकों पर रखता है, मगर जो मेरे माता पिता हैं जिनको मैं भूल चुकी हूँ वो मेरा पीछा कर रहे हैं। चलिए, खैर, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ की रहने वाली हैं? मोहल्ला चरायधारी बुलंदशहर। क्या हुआ है आखिर, क्या बात है, आपके माता पिता क्यों पीछा कर रहे हैं, वो पूरी बात बताएं। शादी को कितना समय हो गया? 4 महीने शादी को हो गए, मैंने लंबे दिन शादी की थी, लेकिन अब भी वो मेरे घर वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे ससुराल वालों पर वो हमला करते हैं, बार बार गाली गलौज करते हैं, मेरे देवर पर और मेरे ससुर पर झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं, बदतमीजी। मतलब आपके देवर पर और किस पर? ससुर पर। क्या आरोप लगाया? ये कि मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे घर में घुसकर मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए हैं, मेरी बड़ी बहन ने कहा है, मेरे अम्मी अब्बू बहुत सता रहे हैं। आपसे बड़ी बहन? जी। क्या नाम है उसका? उसका चांद भी नाम है। जी। तो चांद भी का आरोप है कि जो तुम्हारा देवर है उसने छेड़ा है। जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये है वो है नहीं, खुंस निकालना चाह रहे हैं। खुंस क्या? जी। आप जो दोनों भाग गए थे? जी, इसी वजह से खुंस निकालना चाह रहे हैं। 4 महीने हो गए। 4 महीने? जी। कहाँ गए थे? यहाँ से दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे? जी। फिर क्या हुआ वहाँ से? आपको पकड़ लिया था, बता रहे हैं ले आए थे जी, कोतवाली आए थे, मेरे घर वाले यहाँ से छोड़ गए, हम मेरे बयान हुए, मेरे घर वाले छोड़ गए, फिर मेरे ससुर और देवर घर पर ले गए, फिर मैंने दिल्ली चली गई वहाँ से। अच्छा जी। फिर यहाँ से आप लोग दिल्ली चले गए? जी, दिल्ली में रह रही हूँ मैं, यहाँ पर आती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ रहा है। आना क्यों पड़ रहा है कि जो मेरे घर वाले झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे ससुर पर हमला कर दिया है मेरे घर वालों ने, मैं इस वजह से बार बार यहाँ के चक्कर। अच्छा, ये बताओ, जब तुम दोनों नहीं गए थे यहाँ से, कितनी उम्र है आपकी? करीबन 23-24 के लगभग है। 23-24? 4 महीने शादी को हो गए। जब 4 महीने पहले अपने मायके में रह रहे थे तो मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं या आप सास ससुर ज्यादा प्यार? सच बताना। अब तो सास ससुर ज्यादा प्यार करते हैं। उस दौरान मम्मी पापा करते थे? उस दौरान करते थे, लेकिन अब नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, वो ये कहते हैं कि तू हमारे लिए मर चुकी। अच्छा, कब कहा था ऐसा? ये कोतवाली में भी कहा था, पहले भी ये कहते हैं कि तू हमारे लिए मर गई, तू चली जाए यहाँ से उसी के साथ। तो बेटी घर से अगर भाग कर जाएगी तो माता पिता क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे जी। मगर उनके दिल में तो प्यार आज भी है जो आपका पीछा कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन वो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जब मैं उनके लिए मर गई तो मेरा पीछा ना करें वो। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। वसीम है? जी। हाँ वसीम, बताओ। मैं पीछा कर रहे हैं आपका या कुछ और बात है? ना, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, पहले से मुझसे रंजिश मानते थे वो। मेरा उनके साथ कई दफे हमला भी उन्होंने करा मेरे ऊपर, मगर उनसे मैंने माफ़ी तलाफी उन्होंने करी है और मैंने भी करी उनसे, वो बात रफे दफे हो गई। वो आपके ऊपर हमला जब किया होगा, जब दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा? जी जी जी। हाँ। उन्होंने जब करा था। तुम दोनों के मतलब हटाना चाह रहे होंगे? जी। हाँ। तो अब वो मैंने पहले इन्हें 25,000 रुपये दिए थे फैसले में, और अब उन्होंने मेरे भाई पे कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। इनकी जो बहन है, इसकी जो बहन है मेरी वाइफ की सोनी, उनने आरोप लगाया है मेरे भाई पे कि वो मुझे छेड़छाड़ करता है, उससे मेरे संबंध चल रहे हैं। और मेरे वालिद साहब को उन्होंने गली में निकल कर जा रहे थे,
पानी की छींट आ गई थी, तो मेरे वाली साहब ने क्या बेटा पानी की छींट आ गई है, पानी मत डाले। तो उनके अम्मी ने और बहन ने आकर चुपट गए उनसे। यानी घर जो है आपके और इनका घर कितनी दूरी पर हुआ? हमारा घर दो गली का फासला है। तो वहाँ से निकल क्यों जाते हैं आपके वाली साहब, कहीं दूसरे रास्ते चले जाएंगे ना? मस्जिद पड़ती है ना, तो उसमें को निकल के जा रहे थे वो मदीना मस्जिद ना, मस्जिद नमाज निकल गई थी उनकी उमर फारूक में, तो वो मदीना मस्जिद में जा रहे थे। हाँ। तो वहाँ से नमाज पढ़ के जब लौट रहे थे ना, उनके छींट डाल दी थी पानी की, जानबूझ के। और एक दफा हमारी अम्मी राशन ले आ रही थी, तो जब गाली गुप्तार बक रही थी तो अम्मी ने कुछ नहीं किया, अम्मी छुपचानी हमारी आ गई। उन्होंने फिर बदतमीजी करने लगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बदतमीज लोग चलो, अम्मी ने हमारी ये कहेगा हमारी अम्मी आ गई। क्या है मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको, आपकी वजह से ऐसा कर रहे हैं जी? आपसे कुछ कहते तो है नहीं? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहते, मेरा कोई मतलब नहीं है उन लोगों से जी। तो बातचीत कब हुई थी आखिरी बार अपनी माँ से, कब बोली थी आप? बस मैं जब भी कोतवाली बोली थी 4 मार्च को। क्या कहा था, क्या बात हुई थी? कुछ भी बात नहीं हुई, बस यही कह रही थी कि तू क्यों चली गई, ये है और वो है। लेकिन वो उन्होंने फिर ये कहा कि तू हमारे लिए मर गई, हम ना लेके जा रहे। फिर वो मुझे वो लोग छोड़ गए वहीं पर कोतवाली पर। अब क्या कहना चाहोगे उनसे, इधर देख के बोलो। अब मैं वो मेरा लोग भी मेरे घर वाले बस मेरा पीछा छोड़ दें, मैं बस मैं अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ, मैं मेरा उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ससुराल जी, मेरे ससुराल वालों पर वो परेशान ना करें, मेरे आदमी को, मेरे ससुराल वालों को जान को खतरा है जी। इनका कहना ये है कि हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सास ससुर खूब प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, पति अच्छे से रखता है, जो मेरे माता पिता हैं वो पीछा करना बिल्कुल छोड़ दें और अब मैं बिल्कुल अच्छे से रह रही हूँ। झूठा सच्चा आरोप न लगाए है ना जी? झूठा सच्चा आरोप नहीं लगाए और जान को हमला ऐसा नहीं तो नहीं, दानिश ने सचमुच में जाके कपड़े पड़े फाड़ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दानिश का तो उस गली से आना जाना है, लेकिन घर से आना जाना नहीं है। अच्छा, घर कोई आना जाना नहीं? नहीं, घर से कोई आना जाना नहीं है किसी का भी जी। चलिए खैर, तो अब साफ तौर से मुस्कान का कहना ये है कि मेरा पीछा करना बिल्कुल छोड़ दिया जाए। चलिए खैर, पुलिस जांच का विषय है, अब देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी।